कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ब्लॉग, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ कुछ यूनिक सी आइटम्स आपको दिखाने के लिए, और ये सब हमारी दुकान पे अवेलेबल है, बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल है। और मैं आपको कलर वाइज, वैरायटी वाइज सारी आइटम्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो आइटम है वो मैंने खुद भी वियर कर रखी है। वैसे मैंने, मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है, मैं ज़्यादा वियर नहीं करती हूँ, बट मैंने ये दिखाने के लिए आपको वियर किया है। तो एक सेट तो जो मैंने अभी खुद वियर कर रखा है ये है, ये येलो कलर में है, और इसमें जो स्टोन वर्क हो रखा है, इसके साथ में एक मांग टीका भी है, और ये रहा वो मैंने पहना नहीं है। और बहुत अच्छा पार्टी वियर नेकलेस है, इसको आप पार्टी में भी, किसी ओकेजन में, फंक्शंस में पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सेट है। इसमें तीन कलर अवेलेबल है, एक ग्रीन कलर, रेड कलर और ये येलो कलर में है। मोती का वर्क हो रखा है, और सबसे बड़ी बात है ना, ये इसको आप सूट के साथ, साड़ी के साथ वियर कर सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी लाइट वेटेड है, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत आइटम भारी होती है ना, ऐसा लगता है कि अभी कब उतार के फेंक दें इसको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइट वेटेड ज्वेलरी है। ऐसा मुझे खुद ज्वेलरी का इतना शौक नहीं है ना, पर मुझे ये बहुत पसंद आया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो अभी मैं आपको इसके साथ का एक और कलर दिखाती हूँ। ये जो मैंने वियर कर रखा है सेम इसी के साथ का है, ये ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर के सारे मोती लगे हुए हैं, ठीक है। और ये इसका मांग टीका है, और ये इसके इयररिंग्स है। इयररिंग का डिज़ाइन इस जो मैंने वियर कर रखे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, और उसमें स्टोन वर्क ज़्यादा हो रखा है, इसमें स्टोन वर्क कम है, और इसमें मोटे वाला स्टोन वर्क हो रखा है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्यारा सेट है, इसको आप किसी भी साड़ी के साथ, सूट के साथ और गाउन के साथ वियर कर सकते हैं। लाइट वेटर ज्वेलरी है, और इसका जो कलर है वो कभी भी नहीं जाएगा ना, और इसकी जो शाइन है वो भी चेंज नहीं होगी। तो ये भी बहुत प्यारा सेट है, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, इतने मतलब इतने कम रेट में बहुत प्यारी ज्वेलरी है। तो पहन के भी अच्छा लगता है, किसी भी ओकेजन में इसको आप वियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो मेरी आइटम है वो है, वो भी एक नेकलेस है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा वो नेकलेस है। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी ग्रेस है, स्टोन वर्क हो रखा है। इसको आप एज ए ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको वैसे भी मैरिज में, फंक्शन में, ओकेजन में इसको वियर कर सकते हैं। और ये भी ज़्यादा वेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा हैवी है ये सेट। ये इसका मांग टीका है, और ये इसके साथ के इयररिंग है। इयररिंग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे इयररिंग हैं, सारे पे स्टोन वर्क हो रखा है, मोटे वाला भी है और पतले वाला स्टोन है वो भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी ज्वेलरी है, ये पानी में भी ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी ज्वेलरी है, ठीक है। और इसका जो इयररिंग है वो उसका ज़्यादा वेट नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं है पहनने में, ठीक है। और ये एक नेकलेस हो गया, और ये इसके साथ का मांग टीका हो गया। तो ये भी बहुत प्यारा सेट है, अगर आपको चाहिए होगा, आपको पसंद आए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरी आइटम है वो है, देखिए ये भी बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, ये देखिए बहुत प्यारे। इसको आप रेड कलर के सूट के साथ, साड़ी के साथ वियर कर सकते हैं। ये भी लाइट वेटेड हैं, बिल्कुल लाइट वेटेड है, और इसके बहुत प्यारी इसकी ग्रेस आ रही है, ये देखिए। अगर आप किसी मतलब नेकलेस के साथ इसको वियर करेंगे, नेकलेस के इसको ऐसे भी बिना नेकलेस के वियर कर सकते हैं। और ये भी अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, जैसे फंक्शंस वगैरह, पार्टी वगैरह में पहनना चाहें तो वो पहन सकती हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका भी। तो उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट आइटम है वो भी बहुत प्यारी है। वैसे मैं सारे प्यारे प्यारे सेट ही उठा के लाई थी दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये सूट्स के साथ, स्पेशली पंजाबी सूट हैं उनके साथ अगर आप वियर करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लगेंगे, और इसकी भी बहुत अच्छी ग्रेस आएगी। बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, बहुत, और इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है, बिल्कुल देखिए बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा वर्क हो रखा है इसके ऊपर। सूट्स के साथ स्पेशली ये बहुत अच्छे जाएंगे, सूट के साथ अगर इसको आप वियर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट आइटम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
नेक्स्ट है जो इयररिंग हमारे वो है पिंक शेड में है, ठीक है, ये देखिए बहुत प्यारे हैं ये इयररिंग भी। ये आप पिंक कलर के सूट के साथ, साड़ी के साथ, गाउन के साथ, वाइट कलर की ड्रेस के साथ वियर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये सेट है। अगर मतलब इसको जो अनमैरिड गर्ल्स हैं इसको मतलब एक गले में चेन या उसके बगैर भी इसको पहना जा सकता है, बहुत अच्छा लगेगा ये भी। जैसे ज़्यादा मेकअप नहीं करना हो, ज़्यादा हैवी लुक ना देनी हो तो ये वाला वियर कर सकते हैं। बहुत प्यारा है ये सेट भी। तो नेक्स्ट जो मेरी आइटम है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी उसके साथ मतलब उसी के साथ की है, बट ये कुछ थोड़ी सी यूनिक है। इसमें जो ये देखिए ना स्टोन वर्क हो रखा है ग्रीन कलर के सूट के साथ, इसको आप वियर कर सकते हैं। बहुत प्यारा सेट है ये भी, ये देखिए बहुत प्यारे इयर रिंग्स हैं। इसमें मेहरून कलर का अंदर वर्क हो रखा है और साइड्स पे ग्रीन कलर का। आप दोनों क्या तीन तरह के सूट्स के साथ इसको पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे इयररिंग्स। मैं और भी दिखाती हूँ, इयररिंग मेरे पास और भी हैं, वो मेरा खुद का कलेक्शन है तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का कलेक्शन है, ये मैं जो मैंने ड्रेस पहन रखी है ये मैं इसी ड्रेस के साथ पहनने के लिए लाई थी। और ये भी बहुत अभी इसको बहुत टाइम हो गया है, ये मैंने मेरे भैया की शादी में लिए थे। बहुत प्यारे हैं ये भी, इसको रेड कलर के साथ भी आप पहन सकते हैं, गोल्डन के साथ भी पहन सकते हैं, और वाइट कलर का सूट है उसके साथ भी पहन सकते हैं। मैंने वैसे इसको साड़ी के साथ वियर करने के लिए लाई थी, पर मुझे फिर मैंने यही पहना था गाउन, तो मैंने इसके साथ में ये पहने थे। बहुत प्यारे लग रहे थे ये भी, ठीक है। तो इसके साथ इसके अलावा मेरे पास और हैं ये वाले इयररिंग, ठीक है। ये ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक कलर में है और ये भी बहुत प्यारे सेट है। सबके ना मेरे पास वो जो इसके बैक में सहारे लगते हैं ना वो घूम गए हैं, एक ही जोड़ी के हैं तो मैं वो सबके साथ लगा लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा है ये भी। और इसके अलावा मेरे पास एक और सेट है, तो ये पर्पल कलर का है। मेरे पास पर्पल कलर की एक साड़ी है जो मैंने मेरे एंगेजमेंट में ली थी, तो ये उसके साथ के हैं। ये देखिए ये भी बहुत प्यारे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। मुझे खुद को पर्सनली ज्वेलरी पहनना इतना पसंद नहीं है, और तभी मैंने आप लोग देखते होंगे मैंने कभी कुछ भी वेयर नहीं किया होता है, सिर्फ सिंपल सा मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। बट कभी कभी जैसे कोई ओकेजन हो, कोई फंक्शन हो, तब हमें थोड़ा बहुत लाइट वेटेड कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा बहुत पहना हुआ। तो अगर इसमें से कोई भी ज्वेलरी है, वैसे तो बहुत सारी कलेक्शन है, एक्चुअली मैं अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी में उठा के लाई हूँ, थोड़ा ही लेके आई हूँ, तो और भी बहुत सारी कलेक्शन है हमारे पास। अभी फिर से मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, कभी भी जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके अलावा चूड़ा बहुत अच्छे अच्छे कलर का चूड़ा है, बहुत चूड़ियाँ हैं, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अभी थोड़ी देर और बात कर लेते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स बताइए कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, और मुझे प्लीज़ आपने अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में ऑल को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और फ्रेंड्स यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करो। वैसे तो बहुत सब सपोर्ट कर रहे हैं बट अभी इसको कंटिन्यू बनाए रखें ताकि मेरा भी मतलब एक मोटिवेशन है जो पूरा होता रहे। तो आप मोटिवेट करते रहें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे पता है कि आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और होपफुली अभी आज का मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको, आज का हॉल मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैं अपना जो मेरा खुद का पर्सनल कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे साड़ी का कलेक्शन है, जो मेरे सूट्स हैं, वैसे मैं मतलब सूट्स वगैरह ज़्यादा वियर करती हूँ, तो सूट्स साड़ी का लहंगा का जो भी मेरा खुद का पर्सनल है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने आने वाले ब्लॉग्स में। और उम्मीद है कि आप लोग मुझे जैसा आप लोगों का प्यार मिल रहा है ऐसा कंटिन्यू मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलती रहेगी। और
अभी ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं, पर फ्रेंड्स मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखा करो और लाइक करना मत भूला करो। पता नहीं कैसे भूल जाते हैं आप सब लाइक करना, तो लाइक करते लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ वो कहीं जाके सक्सेस हो सके और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, आगे भी बने रहें। आप लोगों के साथ की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय।